हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, तो ये देखिए, मैंने अपना नाप ले लिया है और ये पीस कट कर लिए हैं, तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक पीस है जो 7 इंच है की लंबाई है, 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये फ्रेंड्स हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है। ये मेरे 4 पीस है जो 3-3 इंच के हैं। ये भी मेरे 4 पीस है जो 3-3 इंच के हैं। ये मेरे 6 पीस हैं जो 2.5-2.5 इंच के हैं। ये मेरे 8 पीस हैं जो 2.5-2.5 इंच के हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब मैं इनको लगा के दिखाऊंगी। तो हम इन पीस को पहले साइड में कर लेते हैं और ये जो पीस है हमारे, इनको हमें डबल शेड के चाहिए। तो हम इसको ऐसे करके बिछा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बिछा लिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब बीच में स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और साइड साइड में से हम सिलेंगे। तो मैं आपको लाइन लगाना से बता देती हूँ फ्रेंड। तो हम ऐसे करके बीच में लाइन लगाएंगे, कोने से कोने को मिलाएंगे। और ये हमने एक्स्ट्रा लाइन लगा ली है जहाँ पे हम सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 लाइन बन गई है। तो ऐसे ही हमें इन सारे पीस में लगानी है और ऐसे ही सिलने हैं। तो हमें बीच की लाइन छोड़ के साइड साइड में सिलना है ताकि हम बीच में से कट कर सके और हमें ये 2 पीस मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं इनको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम क्या करेंगे, हम बीच में से कट करेंगे। कट करने के बाद हम फ्रेंड इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, हमारे 2 पीस हो गए हैं डबल शेड के। ये देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इन सबको कट कर लेते हैं और इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसको अच्छे तरह से प्रेस कर लिया, एकदम सेट हो गया है। इसको नहीं किया तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैसा हो रहा है। तो प्रेस करना ज़रूरी है फ्रेंड, ताकि ये हमारा एकदम अच्छी तरीके से खुल जाए पीस। ये देखिए, ये हो गया। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको 2.5-2.5 इंच नापेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसको कट कर देंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मैं ये आपको डिज़ाइन सेट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डिज़ाइन लगा लिया है। मैंने भी पीस कट कर लिए और 2.5-2.5 इंच के तैयार कर लिए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पीस, मैंने ये डिज़ाइन लगा लिया है, मेरा पीस तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम एक एक लाइन अलग कर लेंगे ताकि हम एक एक लाइन जोड़ सकें। तो हम सबसे पहले अभी बताती हूँ फ्रेंड मैं कैसे देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हम ये 4 पीस सिलेंगे। ये 4 पीस हम इकट्ठे कर लेते हैं कि हमें ये 4 पीस सिलने हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ये 4 पीस इकट्ठे कर लिए, डिजाइन को डिजाइन जैसे ये डिजाइन बन गया है, ऐसे एक डिजाइन ये तैयार कर लेना है। एक ये और एक डिजाइन ये हो गया हमारा तैयार, एक डिजाइन ये हो गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप सिल लेते हैं। पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे, फिर पलटेंगे, फिर सेम यही है, ऊपर का पीस इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे, पलट देंगे। जब ये दोनों पीस सिल जाएंगे फ्रेंड, तब हम इसको पलटेंगे। इसके ऊपर सिलने के बाद ऐसे पलटेंगे और फिर यहाँ से जोड़ को मिला के सिलाई लगाएंगे। तो मैं पहले आपको ये पीस सिल के दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको बाकी के पीस सिल के दिखाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पीस जुड़ गए हैं। अब क्या करेंगे, इस जोड़ से इस जोड़ को ऐसे रखेंगे, इसको आपस में इस जोड़ को मिलाएंगे। इस जोड़ को मिलाने के लिए फ्रेंड्स, हम यहाँ एक पिन लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ उसी लाइन पे सिलाई के सिलाई पे पिन लगा ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमारी पिन जुड़ गई है। अब हम यहाँ सिलेंगे और पलट देंगे। तो आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जुड़ गया है। देखिए, जोड़ से जोड़ के बिल्कुल परफेक्ट शेप में आया है। देखिए, तो ऐसे ही हमें ये और ये चारों तीनों पीस सिल लेने हैं। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे 4 पीस हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इन 2 पीसों को लेंगे, यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। तो मेरे ये भी हो जाएगा और ऐसे ही हम इसको भी यहाँ सिलेंगे और पलट देंगे। तो ये मेरे 2 पीस तैयार होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इसको यहाँ रखेंगे और सिल देंगे और फिर इसको भी यहाँ रखेंगे और सिल देंगे, जोड़ से जोड़ को मिला के। तो मैं ये पीस तैयार कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, इधर का पीस मेरा तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड, इसको भी हमें ऐसा ही इसको सिलना है, तो हम इसको सिल लेंगे फ्रेंड। और ये पीस है जो हमारा, इसको ऐसे करेंगे, पहले हम एक तरफ से सिलेंगे, चाहे इधर से सिले चाहे इधर से सिले, हम एक तरफ से इसको लगाएंगे और सिल लेंगे। फिर क्या करेंगे फ्रेंड, फिर हम इस पीस को बाद में सिलेंगे। तो हम इसको सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस भी सिल गया है और मैंने ये भी सिल लिया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम पहले नापेंगे। तो हम इस पीस के हिसाब से नापेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रख लिया है। क्या करेंगे फ्रेंड्स, जोड़ को जोड़ देखेंगे कि हाँ ये जोड़ यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इस सफ़ेद पट्टी को देखेंगे तो ये भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो क्या करेंगे, अब हम इसको सिलेंगे, क्योंकि अब ये हमारी पट्टी बिल्कुल बिल्कुल नाप के हिसाब से है। तो अब हम इसको यहाँ रख कर इसको सिलेंगे, और सिलने के बाद फ्रेंड यहाँ सिलकर पलट देंगे, और फिर हम इसको जोड़ से जोड़ मिलाकर सिलेंगे। ऐसे पलट कर यहाँ से जोड़ मिलेंगे और फिर सिलेंगे। तो हम फिर इसके बाद ये वाला पीस लेंगे, तो यहाँ से भी जोड़ से जोड़ को मिलाएंगे और सिल देंगे। तो मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल सही तरीके से सिल गया है। जोड़ पे जोड़ सारे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल फिनिशिंग से। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिजाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।